सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक कई विभागों के अधिकारियों के न आने से हंगामे पूर्ण रही। बैठक जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। एडीएम संदीप नेगी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में 103 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कई विभागों के अधिकारियों के बैठक में उपस्थित न होने से आगामी सोमवार को दोबारा बैठक बुलाकर इन मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में बिजली आईपीएच एचआरटीसी वन विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं रहे। वहीं कुछ विभागों से अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग की तरफ से उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2017 और 18 में जिला परिषदों को 42 करोड़ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस धनराशि के माध्यम से जिला परिषद सदस्यों को विभिन्न विकास एवं जनहित के कार्य करवाने में सहायता मिलेगी। धर्मपाल ठाकुर ने बैठक में न आने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में 18 सितंबर 2017 सोमवार तक जिला परिषद कार्यालय को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। जिला परिषद की इस मीटिंग में जो पंचायत से विभिन्न पंचायतों से जो सेल्स आए थे, लगभग 35 करोड़ के जो सेल्स हैं, आज उनका अनुमोदन किया गया। लगभग 103 मुद्दों पे चर्चा होनी थी, कुछ अधिकारियों के ना आने की वजह से वो मद अभी आगे के लिए पेंडिंग कर दिए गए, जिसकी हमने अगले सोमवार जो अधिकारी विशेष रूप से इस मीटिंग में नहीं आए, उन अधिकारियों के साथ सभी जिला परिषद के मेंबर अगले सोमवार की डेट फिक्स की गई है। उसमें सभी को सुनिश्चित किया गया कि सभी अधिकारी मीटिंग में पहुंचे और जो भी जन समस्याएं होती हैं उन पे विस्तृत चर्चा की जाएगी।